नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, एक नई पहल दैनिक जागरण यानी दैनिक विद्यार्थी मॉर्निंग अपडेट, इस वीडियो के माध्यम से आपके परिवार पर एक और नई पहल शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक मॉर्निंग में आपको जो दैनिक विद्यार्थियों के संबंधित कुछ अपडेट्स होती हैं उनको लेकर के प्रत्येक वीडियो में जो विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होती हैं यह वीडियो में आपके लिए मिलेंगी, जिससे आप अपडेट रह सकें। और अपनी एक और पहल आपके परिवार पर शुरू होने वाली है जो 1 जुलाई से होगी, करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि कई एग्जाम्स में आपके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी मायने रखती है मित्रों। तो उसी को लेकर के कुछ नई पहल्स भी शुरू हो रही है मित्रों। तो क्या कुछ हैं जो कि आपके विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, अति आवश्यक होती हैं, और यह पर डे आपको रेगुलर आप मिलती रहेगी अगर आपका सपोर्ट अच्छी तरीके से रहा मित्रों तो, और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त करने को सीएम को भेजा गया प्रस्ताव। कई परीक्षाओं को विषम परिस्थितियों के देखते हुए निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन एक प्रस्ताव या परीक्षाओं को निरस्त करने का दौर जारी है मित्रों। और UPSSC अधीन लोक सेवा आयोग के 672, जिसका रिजल्ट शाम को जारी हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं, 672 पदों के सापेक्ष प्री में 15,335 अभ्यर्थी सफल हुए। क्या कुछ मेरिट रही है सभी चर्चा करेंगे। और हाई स्कूल और इंटर के और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए जो परीक्षाएं स्थगित की गई थी उनके लिए कराने के संबंध में, इस परिस्थिति के संबंध में 4 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। और 26 जून को जो रोजगार दिवस मनाया गया था उसमें रिकॉर्ड तोड़ यानी एक ही दिन में लगभग 62,000 श्रमिकों को वर्क दिया गया है। और नए कोर्स चलाने के लिए 29 नए कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मित्रों, कोरोना के विषम संकट को देखते हुए परिषद ने सीएम को भेजा प्रस्ताव, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त होंगी, इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। क्या कुछ है इसमें पूरी जानकारी लेते हैं मित्रों। तो पॉलिटेक सत्र 2019-20 की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद ने सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। परिषद ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। वहीं छात्रों को 31 जुलाई से पहले अपने प्रोजेक्ट वर्क जमा करने होंगे और जिससे आंतरिक मूल्यांकन में उन्हें जोड़ा जाएगा। तो ये विषम परिस्थितियों में ये परीक्षाएं, क्योंकि जो परीक्षाओं को निरस्त करने का दौर है, इससे पहले CTET और हाईस्कूल इंटर CBSE बोर्ड की, अब ये यहाँ पर पॉलिटेक प्रवेश परीक्षा, तो किस तरह इनमें भी प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट किए जाएंगे छात्र। यहाँ पर भी स्पष्ट किया है कि परिषद सचिव के मुताबिक छात्रों को आंतरिक और पिछले सेमेस्टर के मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। इसमें प्रथम वर्ष के छात्रों को पहले सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष को वर्ष के छात्रों को पिछले सेमेस्टर व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे मित्रों। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आपके उद्धव ने यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी परीक्षाएं रद्द कराने के लिए PM को पत्र लिखा है मित्रों, क्योंकि जो परिस्थिति है वो संक्रमण की है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए तो कोरोना संक्रमण को मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द कराने का, राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष संस्थानों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 25 जून को मोदी को लिखे पत्र में कहा कि मौजूद माहौल परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने पेशेवर और गैर पेशेवर दोनों पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द कराने का फैसला किया है। ठाकरे ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फॉर्मूले के आधार पर ही छात्रों को डिग्री दे दी जाएगी, वहीं छात्रों के लिए परीक्षा देने के विकल्प भी रखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 18 जून की जो बैठक में परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है मित्रों। नेक्स्ट अपडेट है आपके लिए कि अवर अधीनस्थ यानी UPSSC जो प्री परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा में 15,335 अभ्यर्थी सफल हुए। अधीनस्थ लिख सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में
परिणाम घोषित कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए 15,335 अभ्यर्थी सफल घोषित किए हुए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट जो दी हुई है उस पर जांच देख सकते हैं upssc.gov.in पर, और वहां पर भी अपनी जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितनी क्या कुछ मेरिट रही है, जो कि इसमें इतने 5,04,506 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। हाई स्कूल और इंटर का परिणाम आज, लागू का परिणाम शनिवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की घोषित करेंगे। और इसी के साथ परीक्षा में शामिल 50 लाख से अधिक छात्रों को इंतजार खत्म हो गया। इस बार 10वीं 12वीं की परीक्षा एक साथ 18 फरवरी को शुरू हुई थी और 10वीं की परीक्षा 3 मार्च जबकि इंटर की परीक्षा 6 मार्च को संपन्न हुई थी। तो 2020 परीक्षा में हाई स्कूल के स्थानों में शुरू होंगे BA LLB सहित 29 नए कोर्स। जी हाँ मित्रों, जो 29 नए कोर्स हैं जो शुरू हो प्रारंभ किए जाएंगे, इसमें आप देख पा रहे हैं शुक्रवार को अकेडमिक कार्यशाला में बैठक आयोजित की कुलपति महोदय के द्वारा ये फैसला लिया गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन हो चुका है, जिसमें जो परीक्षाएँ बीच में एक विषम परिस्थिति कोरोना के रुकते हुए रोक दी गई थी यानी स्थगित कर दी गई थी, उनको कराने के लिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं को कराने के लिए जो परीक्षा की जो समिति है 4 सदस्यीय उसका गठन हो गया है, और यह जल्दी अपनी परीक्षाएं जो अधर में फंसी हैं उनको कराने के लिए तैयार करेगी, एक कार्य योजना एक पाठ्य तैयार करेगी। मित्रों नेक्स्ट आपका रोजगार दिवस, जो कि 26 जून, शासन की कई मुख्य योजनाओं में लाए जाएंगे श्रमिक। एक ही दिन में 62,000 को मिला श्रमिक, यानी वर्ग मिला, काम मिला मित्रों, तो 62,000 श्रमिकों को जो 26 जून को जो रोजगार दिवस है उसमें इतने श्रमिकों को रोजगार मिला है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये नई पहल जो आपके लिए विद्यार्थी मॉर्निंग अपडेट्स में आपकी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे और अपना सपोर्ट और सहयोग देते रहेंगे मित्रों।